हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो एक कंपैरिजन वीडियो है एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगे. बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपसे जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, सबसे पुराना वीडियो जो मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे अपलोड किया था, उस वीडियो के साथ मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है वो आपको मैं कंपेयर करके दिखाना चाहूंगी. सो ये वीडियो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल भी हो सकता है किसी के लिए जो अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं. एंड मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगी. सो जब मैंने आज मेरा ये वीडियो देखा था तो मुझे इतनी हंसी आई थी कि मैं कितनी सारी सिली मिस्टेक्स कर रही थी. काफी सारे चेंजेस मैंने किए एक साल के इस टाइम में. सो मैं ये चाहूंगी कि आप और मैं मेरे इस वीडियो को साथ में बैठकर देखें. तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा. आपको मुझ में क्या क्या चेंजेस नजर आए, क्या क्या चीजें मैंने इम्प्रूव की, प्लीज प्लीज मुझे आप जरूर जरूर आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताएं. मैं आप सबके कॉमेंट्स जरूर पढ़ूंगी. सो सबसे पहले मैंने वीडियो अपना प्ले किया एंड सबसे बड़ी गलती जो मैं करती थी स्टार्टिंग में, जो मुझे नहीं पता था, वो ये थी कि मैंने कभी एडिटिंग वगैरह नहीं सीखी थी. सो मैं अपने फोन को हमेशा से ऐसे वर्टिकली रखा करती थी, वर्टिकली खिड़की में मैं रखा करती थी मेरे घर की, मेरे रूम की. घर का मैं व्लॉग जल्दी बनाऊंगी जब मैं घर जाऊंगी. तो मैं अपनी अपने फोन को ऐसे वर्टिकली रख लिया करती थी खुद से नीचे. सो मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब पे जो राइट जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सही फोन रखने का तरीका होता है, वीडियो बनाने का तरीका होता है, वो होता है 16:4 की रेशियो में. तो ऐसे हमें हॉरिजॉन्टली, आई मीन वर्टिकली नहीं बनाना चाहिए रेशियो, रेशियो में नहीं बनाना चाहिए वीडियो. सो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली, आप समझ गए होंगे. मतलब यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं 16:4 की रेशियो में. सबसे बड़ी मेरी ये मिस्टेक थी. एंड जो सबसे बड़ी गलती सिली मिस्टेक मैं कर रही थी वो मैं ये कर रही थी जो आप लोगों ने मुझे बताई थी, वो ये थी कि जब भी मैं पहले वीडियो बनाया करती थी मैं खुद की तरफ देखा करती थी. सो मैं अपने ऑडियंस से कभी भी आई कॉन्टैक्ट नहीं करती थी. जबकि होना ये चाहिए कि जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या जब हम फोटोज क्लिक करवाते हैं तो हम हमेशा कैमरे की लेंस की तरफ देखते हैं. तो मैं कैमरा यूज नहीं करती हूँ, मैं फोन यूज करती हूँ. तो आप लोगों ने मुझे काफी सारे कॉमेंट्स करके बताए थे कि मैम आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करती हैं, आप बोल रही कहाँ है और देख रही कहाँ है. तो फिर मैंने धीरे 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 मैंने खुद में वर्क किया कि नहीं मुझे कैमरे की तरफ देखना है. मुझे इतनी ज्यादा आदत थी ना खुद को देखने की कि मैं कितनी कैसी लग रही हूँ. बिकॉज हम स्टार्टिंग में वीडियोस बनाते हैं तो इतने कैमरा कॉन्शियस होते हैं कि मैं पता नहीं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ. तो इस तरह से मैं खुद को देखा करती थी अपनी वीडियोस में. बट अब मैं लाइक 2-3 मंथ से मैं अपने कैमरा की तरफ ही फोकस करती हूँ. थर्ड मिस्टेक मेरी ये थी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, आपने मेरे फर्स्ट वाले वीडियो में नोटिस करी होगी, जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने भी काफी बार बताई थी कि मेरी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. मैं अपना जो एक शोल्डर है, आई मीन शोल्डर मूवमेंट ज्यादा करती थी, हैंड मूवमेंट ज्यादा करती थी. एंड कुछ ज्यादा ही मैं एक्सप्रेसिव हूँ, आई नो दैट, अभी भी मैं कुछ ज्यादा ही हैंड मूवमेंट शोल्डर मूवमेंट्स करती हूँ. बट उसमें मेरा जो पोस्चर था बैठने का वो बिल्कुल अच्छा नहीं था. एंड अब मुझे ये समझ में आया है कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे फेस के जस्ट बराबर में अपना कैमरा रखना चाहिए. पहले मैं बहुत ज्यादा नीचे कैमरा रखा करती थी. तो इस तरह से मुझे काफी छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली. एंड टाइम के साथ साथ मैंने खुद से धीरे 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 मैंने एडिटिंग करना भी सीखा काइनमास्टर ऐप से. हमेशा से मैं कुछ गलतियां कर रही थी, फिर सब्सक्राइबर से मुझे कमेंट आते थे कि मैम देखिए आपका ये वाटरमार्क दिख रहा है, इसको प्लीज रिमूव कीजिए. मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया करती थी. तो इस तरह से अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप कैबिन गुरु बनना चाहते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसने मेरी कैसे हेल्प की कैबिन गुरु बनने में. सो मैं आपको बता दूंगी मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट की थी. यूट्यूब चैनल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था एंड मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने मेरा अपना चैनल स्टार्ट किया. मीन्स अगर आप काम करो या नहीं करो, मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, मुझे हमेशा से अपनी पेमेंट यूट्यूब से मिल जाती है. और ये बेस्ट मोमेंट है, इतना प्राउड मुझे फील होता है, मेरे पेरेंट्स को इतना प्राउड फील होता है. बिकॉज गाँव में कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई यूट्यूब से अर्न भी कर सकता है क्या. बट मैंने एक साल में अपना ये जो था कि मुझे करना था यूट्यूब में, मुझे अर्न करना था, मुझे इतनी पहचान बनानी थी, मुझे ये मिला. एंड थैंक गॉड मेरा इंडिगो में सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा ग्रो किया आप सबके सपोर्ट से. तो कहाँ थे हम, तो सबसे पहले मैंने क्यों डिसाइड किया यूट्यूब चैनल बनाना. तो ये मेरा हमेशा से आदत थी, जब भी मैं किसी कैबिन ग्रुप के वीडियोस देखा करती थी तो मुझे भी लगता था कि मुझ में भी ऐसी कुछ क्वालिटी है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ जितना मुझे आता है. मुझे इतना नहीं आता था 12th के बाद में, आई मीन अपनी ग्रेजुएशन में थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था. बट फिर भी मुझे लगता था कि जितना मुझ में है मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ. एंड मैं हमेशा से अपने जो पड़ोस में
बच्चे थे उनको ट्यूशंस कराया करती थी. मुझे बहुत शौक था हमेशा से सबको पढ़ाने का. टेंथ में मैं जब खुद पढ़ा करती थी तब मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी, तो मुझे हमेशा से शौक था कैमरे पे खुद को फेस करना, वीडियोस बनाना. एंड कैबिन क्रू बनने के लिए मुझे यूट्यूब ने कैसे हेल्प किया, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं जो वीडियोज बनाती थी उसमें मैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, इतनी मिस्टेक्स किया करती थी. मुझे आप लोगों के भी कॉमेंट्स आते थे कि मैम ये प्रोनाउंसिएशन आप सही नहीं कर रही है, आपने ये सही नहीं किया. तो आप लोगों से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला एंड मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हुई. मुझे कैमरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है. एंड यूट्यूब के चक्कर में मैंने इतने सारे वीडियोस इंग्लिश पे बनाए थे. मुझे ग्रामर पढ़ने का हमेशा से इतना अच्छा लगता था, मुझे ग्रामर पढ़ना और पढ़ाना. बट यूट्यूब चैनल के लिए मैं एक्स्ट्रा से स्टडीज करती थी ग्रामर के बारे में, इंग्लिश में मैं वीडियोस बनाया करती थी, तो इससे मेरी प्रोनंसिएशन. और जब हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं इंग्लिश में तो हम इतना कॉन्शियस नहीं होते हैं, बिकॉज हमें पता है हमें फ्रेंड्स जज नहीं करेंगे. बट अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोज बना रही हूँ तो मुझे पता है मुझे इतने सारे लोग देख सकते हैं, आगे भी देखेंगे, तो मैं इतना कॉन्शियस होकर बनाती हूँ कि मुझे ये वाला वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करना है. जैसा कि मैंने आपके साथ मेरी जर्नी शेयर की थी कि ओ साउंड वाले वर्ड्स तो मैं कभी भी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करती हूँ, तो अभी भी मैं अगर बोलती हूँ डॉग तो मुझे इतने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि नहीं, यूट्यूब चैनल पे मैं बोल रही हूँ तो मुझे डीओजी को डॉग नहीं बोलना है, मुझे डॉग बोलना है. एंड मेरा जो जोश टोक वाला वीडियो था वो भी, उसमें भी मैंने ये वर्ड्स काफी ज्यादा बार मैंने यूज किया. जैसे ये मेरा शौक था, तो किसी ने कॉमेंट किया था कि मैम आपकी प्रोनाउंसिएशन में अभी भी मिस्टेक है, आप शौक कर रही है बट ये शौक है, राइट. सो इस तरह से यूट्यूब से मैं इतनी सारी चीजें सीखने को मुझे मिलती हैं. आज भी मैं इतनी सारी चीजें सीखती हूँ, आपके कमेंट्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं. इस तरह से जब मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा तो मैं इतना इमोशनल हो गई थी कि मुझे कितना आप लोगों से प्यार मिला है, कितना आप लोगों से सपोर्ट मिला है. तो मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि अगर आपके माइंड में इतना सा कुछ भी है कि मुझे भी अपना चैनल स्टार्ट करना है तो प्लीज गो फॉर इट. बिकॉज आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था तो मैं वीडियोस खुद के फोन से शूट नहीं किया करती थी. मेरे पास उस टाइम पे अपना टेक्नो का फोन था जिसका कैमरा बिल्कुल खराब था. आई डोंट नो टेक्नो IN5 ऐसे कुछ कैमरा था जिसका कैमरा बिल्कुल खराब था, तो मेरे फोन से मैं पिक्चर्स भी नहीं ले सकती थी, वीडियोस भी बना नहीं सकती थी. एंड उसी टाइम पे मेरे दादाजी के पास फोन था, ओप्पो का फोन, तो मैं उस ओप्पो वाले फोन में वीडियोस बनाया करती थी जब भी दादाजी घर पे नहीं होते थे. तो उस टाइम पे बना के इतना मुझे एडजस्ट करना पड़ता था. 2-3 मंथ्स के लिए मैंने किया, देन फिर मैंने अपना नया फोन रेडमी का है ये मैंने खरीद लिया था. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास फोन अच्छा नहीं है तो आप वीडियोज नहीं बनाए. बिकॉज मुझे भी ऐसा था कि मुझे आईफोन खरीदना है तभी मैं चैनल बनाऊंगी. फिर मुझे अपने भाई सब मोटिवेट किया करते थे कि नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बनाना चाहिए चैनल, तुम्हें कुछ टैलेंट है तो तुम बनाओ ना, तुम्हें कैमरे क्वालिटी से क्या मतलब है. तो धीरे धीरे आप देखिए, YouTube चैनल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपके पास स्टैंड होना चाहिए. स्टैंड के लिए तो मैंने भी काफी ज्यादा जुगाड़ की थी, जितनी भी अलमारियां डब्बे वब्बे नमक मिर्च के रख के बना लिया करती थी, जुगाड़ कर लिया करती थी. देन जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी YouTube से तो मैंने स्टैंड वगैरह सब खरीद लिए थे. तो इस तरह से आप अगर स्टार्टिंग में बनाना चाह रहे हैं और आपका ये इंटेंशन नहीं है कि नहीं मुझे अर्न नहीं करना है स्टार्टिंग में, मुझे इम्प्रूव करना है, मेरा भी यही इंटेंशन था कि सबसे पहले मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है, मुझे पढ़ाना है सबको. तो धीरे धीरे ये पढ़ाने का जो था ये दौर, ये मेरा धीरे धीरे अर्निंग में स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे ग्रोथ हुई यूट्यूब से. इस तरह से ये सब कुछ हो गया. एंड अभी भी मुझसे काफी सारे फ्रेंड्स पूछती हैं कि मुझे भी मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मैं कैसे करूं. सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि सब कुछ डन है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कैबिन क्रू हैं, आप में कॉन्फिडेंट हैं, आई एम डैम श्योर कि आप मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं. अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आप मुझे जज कर चुके होंगे कि इतने खराब थे. तो इस 1 ईयर के टाइम में मैंने धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव किया है. एंड सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप मिरर में जाके खुद से बात कीजिए, खुद को देखिए, कैमरे में खुद को रिकॉर्ड कीजिए कि आप किस तरह से बोल रहे हैं. आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, आवाज का नीचे गिरना उठना, आपके हैंड जेस्चर्स हैं, तो इंटरव्यू में भी आप सेम इसी तरह से बोलेंगे. तो मेरा जो YouTube चैनल था इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करने में, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने में, इंग्लिश लर्न करने में. सो अगर आपके माइंड में इतना सा भी है कि चैनल स्टार्ट करना है तो प्लीज गो फॉर इट. इतना मत सोचिए कि आईफोन मिलेगा तभी चैनल बनाना है या फिर फोन अच्छा खरीदूंगा तभी चैनल बनाना है. थोड़ा बहुत कुछ भी स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर लीजिए. एक बार आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको अपने आप रास्ता दिखता जाएगा खुद ब खुद.
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. एंड इतना ही मैं अपने पुराने वाले और नए वाले वीडियोस में इतने से ही डिफरेंसेस मैं खोज पाई. अगर आपको कुछ अलग चीज दिखी हो मेरे वीडियोस में तो आप मुझे प्लीज जरूर बताइए मेरे फर्स्ट वीडियो में, अब वाले वीडियो में क्या क्या और डिफरेंसेज हैं जो मैंने आपको नहीं बताए. आप मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. आई वुड डेफिनेटली लव टू सी योर कॉमेंट्स. एंड कुछ और डाउट्स वगैरह हो आपको तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.